ये बंदा अपने सिर पर ही जंगल लेकर क्यों घूमता है? इंटरेस्टिंग है। जंगल में लोगों को ये अजीबोगरीब चमकती हुई चीज मिली, ये है क्या? और वीडियो के लास्ट में आपको दिखाएंगे 1000 रुपए का स्मार्टफोन, तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। फैक्ट नंबर 10, आज हम आपको एक ऐसा मास्क दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको वायरस से बल्कि पॉल्यूटेड हवा से भी बचाएगा। वीडियो में दिख रहे इस मास्क को बनाया है बेल्जियम आर्टिस्ट और सोशल वर्कर एलन वर्सच्यूरन ने। इस मास्क को उन्होंने पोर्टेबल ऑयसिस नाम दिया है। अलायन ने इस मास्क को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें बाहर से हवा आएगी और फिर इसके अंदर मौजूद पौधे उसे फ्रेश करने का काम करेंगे। ऐसे में आप चलते चलते ताजी हवा का एहसास कर सकते हैं, चाहे आप कितने भी पॉल्यूटेड एरिया में क्यों ना चले जाएं। फैक्ट नंबर 9, आपने आज तक कई तरीके के अंडे देखे होंगे, पर आज इन अंडों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्हें देखकर आप चौक जरूर जाएंगे। वीडियो में दिख रही ये ट्रांसपेरेंट अंडे सैलामेंडर के हैं। सैलामेंडर के अंडे सफेद या पारदर्शी होते हैं। बारिश के मौसम में ये अंडे हरे भी हो जाते हैं क्योंकि इन पर काई जमने लगती है। सैलामेंडर के अंडों में आप उनके बच्चों को बड़े होते भी देख सकते हैं, जो इन अंडों की सबसे मजेदार चीज है। फैक्ट नंबर 8, कैंडी बच्चों को काफी पसंद होती है, पर कैंडी के नीचे लगे प्लास्टिक स्टिक्स को अक्सर बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, जो एनवायरनमेंट को गंदा करने का काम करती है। पर अब यूएसए की कंपनी ने इसका जो इलाज निकाला है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। यूएसए की एम्बोरेला ऑर्गेनिक्स नाम की इस कंपनी ने ऐसी कैंडी बनाई है जिन्हें खाने के बाद जब उनके स्टिक्स को जमीन पर फेंका जाएगा तब उस स्टिक से कुछ ही दिनों में कैंडी के फ्लेवर का पौधा उग जाएगा। साथ ही ये कैंडी भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसलिए इसे खाने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। फैक्ट नंबर 7, अक्सर जब कोई गुस्से में आकर हमें कुछ बोल देता है तब ये सोचकर हम उस व्यक्ति की बातों को टाल देते हैं कि वो गुस्से में था, इसलिए उसने अनजाने में गलत बोला। पर आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोलने के लिए जरूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च की माने तो गुस्से में बोली गई 80% बातें सच होती है जो सामने वाले व्यक्ति के मन में होती है, पर वो कभी बोलता नहीं। पर जब गुस्सा आता है तो ये सभी बातें बाहर आ जाती है। इसीलिए आगे से अगर गुस्से में कोई आपको कुछ बोले तो समझ लेना कि जो व्यक्ति वो बोल रहा है वही आपके बारे में वो सोच रहा है। फैक्ट नंबर 6, 1 अगस्त को ठीक शाम के 5 बजे 60 सेकंड्स के लिए पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पूरे तरीके से थम जाती है। पर ऐसा क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। असल में 60 सेकंड्स का मौन 1944 के वॉर्सो अपराइजिंग के लिए किया जाता है, जो कि पोलैंड सिटी को नाजी ऑपरेशन से निकालने के लिए 63 दिन तक चला था। इसलिए हर साल 1 अगस्त को शाम 5 बजे वॉर्सो में बिगुल बजाया जाता है, जिसे सुनकर पूरा शहर 60 सेकंड्स के लिए थम जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपने कई तरह की चींटियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, पर आज हम आपको चींटियों की एक ऐसी ब्रीड के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दुश्मन को मारने का तरीका आपके होश उड़ा देगा। चींटियों के जिस ब्रीड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम ट्रैप जॉ एंट्स है, जो कि जॉर्जिया और टेनेसी में पाई जाती हैं। इन चींटियों का जबड़ा काफी स्ट्रांग होता है और इनका डंक काफी जहरीला। ऐसे में जब ये दुश्मन पर हमला करती हैं तो उसके बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, पर ये चींटियां चांस लेने में भरोसा नहीं रखती, इसलिए जैसे ही अपने दुश्मन पर हमला करके उसे घायल करती हैं वैसे ही ये कुछ तरीके से जंप करके अपने दुश्मन से काफी दूर जा गिरती हैं, जिससे इनका दुश्मन उन पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फैक्ट नंबर 4, हांगकांग के लगभग सभी स्काई स्क्रैपर्स में आपको बड़े बड़े होल्स देखने को मिल जाते हैं, पर ऐसे होल्स को आखिरकार इन बड़ी बिल्डिंग्स में क्यों बनाया जाता है, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे। असल में इन होल्स को बनाने के पीछे एक मान्यता का हाथ है। हांगकांग के लोगों का मानना है कि रात के समय आसमान में ड्रैगन्स घूमते हैं, पर ये बड़ी बिल्डिंग्स उनके उड़ान में रुकावट बनती है और ऐसे में ड्रैगन्स नाराज हो जाते हैं, और ड्रैगन्स को नाराज करना मतलब बैड लक को बुलावा देना होता है। ड्रैगन्स की उड़ान में बिल्डिंग्स रुकावट ना बने इसके लिए बिल्डिंग्स में ये बड़े होल्स बनाए जाते हैं ताकि ड्रैगन्स आसानी से उसमें से निकल सकें। इन्हें ड्रैगन होल्स के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, हाथी काफी मस्त मौला जानवर होता है। आपने कई बार हाथियों को करतब करते देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी हाथी को क्रिकेट खेलते देखा है? हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक हाथी कुछ लोगों के साथ क्रिकेट खेलता देखा जा सकता है। वीडियो में आप हाथी की कमाल की बैटिंग स्किल्स देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो केरल का है और हाथी के साथ खेल रहे ये लोग महावत हैं। फैक्ट नंबर 2, आज हम और आप एक क्लिक पर ही दुनिया के किसी भी कोने को देख सकते हैं, नए लोगों से मिल सकते हैं, दूर रह रहे अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, और ये सब पॉसिबल किया है इंटरनेट ने। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के लोगों तक इंटरनेट आखिर पहुंचाया कैसे जाता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इंटरनेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह के फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सबमरीन कम्युनिकेशन केबल्स के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में जितना भी इंटरनेट इस्तेमाल होता है उसका 99% डेटा इन वायर से होकर आता है, जिन्हें समंदर में कई 1000 मीटर की गहराई पर बिछाया गया है। फैक्ट नंबर 1,
स्मार्टफोन काफी महंगे होते हैं, पर आज हम आपको दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन दिखाने जा रहे हैं। इस फोन का नाम लाइफ स्पार्क 3 है। इस फोन की कीमत महज 1,000 रुपए है, जिसमें आपको मिलेगा 256 MB रैम, 552 MB स्टोरेज, डुअल कैमरा, 0.3 and 2 MP, 1300 mAh बैटरी, डुअल सिम और 4 GB मेमोरी साइज। इस फोन के साथ आपको इसका चार्जर और ईयरफोन भी मिलेगा। अगर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो 1,000 देकर ये फोन लेना घाटे का सौदा नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।